नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की मदद करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? आपको ये सवाल बड़ा अजीब लग रहा होगा और या ये बात आपको नामुमकिन लग रही होगी, और जाहिर है लगनी भी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार नहीं कई बार ये क्लियर किया है कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार से कभी कोई सियासी दोस्ती उनकी नहीं होगी। लेकिन दरअसल यही राजनीति का गणित है, यही सियासत का गणित है। सियासत में 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 होता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन परोक्ष रूप से चिराग पासवान नीतीश कुमार की मदद कर सकते हैं, जेडीयू की या महागठबंधन खेमे की मदद कर सकते हैं और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दरअसल बिहार में 2 राजनीतिक खेमे हैं, महागठबंधन और एनडीए। चिराग पासवान के पास 2 ही विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं। एक तो अकेले जैसे वो चल रहे हैं चलें, लेकिन उन्होंने कह रखा है कि गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, किसी न किसी गठबंधन के साथ। तो जाहिर है नीतीश कुमार एक गठबंधन का हिस्सा हैं, वहाँ वो जाएंगे नहीं। दूसरा गठबंधन है बीजेपी, लेकिन एनडीए, लेकिन वहाँ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, उसके लिए भी उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जहाँ पशुपति कुमार पारस होंगे वहाँ वो नहीं जाएंगे। तो आज खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उन्होंने, चूँकि बीजेपी के कई बड़े नेता उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको एनडीए में वापस आने के लिए मना रहे हैं। खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चिराग पासवान ने उन बीजेपी नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मानेंगे तब हम एनडीए में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जो सबसे दिलचस्प शर्त है, वो यह है कि पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, उनको एनडीए से बाहर देखना चाहते हैं चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए और बिहार में, माफ कीजिएगा, लोजपा रामविलास के कोटे से एक व्यक्ति को, एक सांसद को मंत्री बनाइए। तो जाहिर है लोजपा रामविलास कोटे से एक ही सांसद हैं चिराग पासवान, तो मंत्री पद की मांग उन्होंने कर दी है। अब एक खबर यह भी है कि उन्होंने बीजेपी को यह भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों की जो डील होनी है वो अभी कर लीजिए, सीटों की डील अभी कर लीजिए, नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद कर दीजिए, नीतीश कुमार कभी एनडीए में वापस नहीं जाने चाहिए। तो ये वो तमाम शर्त है जो चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने रखी है। बीजेपी मानती है नहीं मानती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।